दोस्तों, हम सभी को अपने जीवन के बारे में जानने के लिए जिज्ञासा होती है कि हम कितने साल जिएंगे और कैसा हमारा स्वभाव होगा। तो आइए जानते हैं। मेष राशि के लोग आमतौर पर अधिक साहसी होते हैं और कुछ अनोखा या लीक से हटकर काम करने में विश्वास रखते हैं। हालांकि कभी कभी परिस्थितियां उनके विपरीत भी हो जाती हैं और वो खुद भारी मुसीबत में फंस सकते हैं। मेष राशि के लोगों को कोई साहसिक कार्य करते समय दुर्घटनाओं का खतरा अधिक होता है, जैसे कि पहाड़ पर चढ़ना, तेज गति से गाड़ी चलाना, आग से खेलना। ये सभी इस राशि का स्वामी मंगल होता है और मंगल नौ ग्रहों का सेनापति भी होता है। इस राशि के लोगों की सामान्य आयु 75 वर्ष और 2 महीने होती है। दोस्तों, वृषभ राशि ज्योतिष शास्त्र में दूसरी राशि है और इसे सुंदर, सरल और अधिक प्यारा होने के लिए जाना जाता है। ये लोग आमतौर पर अपनी चीज़ों से प्यार करते हैं, या हम कह सकते हैं कि इस राशि के लोग आत्म केंद्रित व्यवहार को पसंद करते हैं। उम्र में सबसे पहले मृत्यु होने वाली रिश्ते में सबसे पहला वृषभ राशि ही होता है। इस राशि के जातकों को शनि का प्रयोग प्रकोप बना रहता है। वहाँ ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक फिल्म इंडस्ट्री की मशहूर अभिनेत्री श्रीदेवी भी वृषभ राशि की थी और उनकी मृत्यु महज 54 साल की उम्र में ही हो गई। इस राशि के जातकों को अपनी सेहत का भी विशेष ध्यान रखना पड़ता है। शुक्र वृष राशि के लोगों का स्वामी माना जाता है। शुक्र के इस राशि के लोगों की सामान्य आयु 85 साल और 7 महीने है। मिथुन राशि तीसरी राशि है और यह जिज्ञासु, अभिव्यंजन और मजाकिया होने के लिए भी जानी जाती है। हालांकि कभी कभी वे कुछ ऐसी बातें कहते हैं जो दूसरे व्यक्ति की भावनाओं को भी ठेस पहुंचा सकती हैं और कभी कभी चीज़ें उनके लिए खतरनाक हो सकती हैं। किसी गुस्सैल व्यक्ति के सामने अनावश्यक बातें करना मिथुन राशि के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। इसके अलावा उन्हें जिंदा दफन होकर मौत का सामना करना पड़ सकता है। मिथुन राशि के लोगों को बुध ग्रह के निमित्त विशेष पूजा करनी चाहिए, क्योंकि इस राशि का स्वामी है बुध। दोस्तों, बुध की कृपा सदैव बनी रहे। तो इस राशि के लोग कम से कम 85 साल तो जिएंगे ही। कर्क राशि, गलत व्यक्ति से मित्रता करने से कर्क राशि के जातक की मृत्यु हो जाती है। वह घटिया दोस्त इतना व्यवहारशील और रचनात्मक होगा कि आपको उसकी वास्तविकता के बारे में संकेत भी नहीं मिलेगा। कर्क राशि के अंतर्गत आने वाले लोगों को मित्र चुनते समय बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। साथ ही निर्णय लेते समय बहुत सारे लोगों की सलाह न लेकर, खासकर अपने करीबी दोस्तों को ध्यान में रखते हुए कर्क राशि के लोगों को भी थोड़ा संभल कर चलने की ज़रूरत होती है और अपने सेहत के प्रति किसी भी प्रकार का नुकसान ना उठाएं। जितना हो सके दोस्तों, अपनी सेहत का ध्यान रखें और थोड़ा संभल कर रहें। इन्हें अपनी ज़िंदगी में बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होने के कारण इस राशि के लोगों को सोमवार को शिव जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। भोलेनाथ की कृपा के साथ इस राशि के लोगों की सामान्य आयु 70 साल 5 महीने होती है। सिंह ज्योतिष की 5वीं राशि है और इसे अधिक चौकस, विचारशील या कभी कभी थोड़ा चिंतनशील होने के लिए भी जाना जाता है। ये लोग मामले को गहराई से देखते हैं और कभी कभी कुछ विचार उन्हें परेशान भी कर सकते हैं, जो अवसाद, हताशा, अनिद्रा, घबराहट के दौरे, आत्महत्या की प्रवृत्ति आदि का कारण बन सकते हैं। इसके अलावा ऐसी संभावना भी है कि अगर ये विचार कर उनके दिमाग पर हावी हो जाएं, तो उन्हें मौत का सामना भी करना पड़ सकता है। दोस्तों, सिंह राशि के स्वामी भगवान सूर्य हैं। इस राशि के लोग नियमित तौर पर सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करें। इन लोगों की सामान्य आयु 65 साल बताई गई है। इसके बाद कन्या राशि। कन्या ज्योतिष की 6ठी राशि है और सबसे जटिल राशियों में से एक भी मानी जाती है।
कन्या राशि वालों की मौत अजीब नहीं होती। दरअसल वे जहाँ भी जाते हैं अनिश्चितताएं उनका पीछा करती नजर आती हैं। ये लोग अधिक आत्म प्रेमी होते हैं और केवल अपने बारे में ही सोचते हैं। हालांकि कभी कभी चीज़ें उनके मन में ही उलझ जाती हैं और उन्हें आत्महत्या का प्रयास करने के लिए भी मजबूर कर देती हैं। कन्या राशि का स्वामी ग्रह बुध होने के कारण इस राशि के लोगों को भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से सभी ग्रह दोष शांत हो जाते हैं। इस राशि के लोगों की सामान्य आयु 84 साल होती है। तुला ज्योतिष शास्त्र की सातवीं राशि है और इसे कुख्यात चालाक और कभी कभी थोड़ा चालाक होने के लिए भी जाना जाता है। दोस्तों, ये लोग हमेशा कुछ जटिल या जोखिम भरे काम करने की कोशिश करते रहते हैं। हालांकि कभी कभी कुछ गैरकानूनी कार्य करना उनके खिलाफ हो सकता है या अदालत द्वारा मौत की सजा फांसी भी हो सकती है। इस राशि के स्वामी शुक्र हैं। शुक्रवार को आप दान पुण्य के कार्य करें तो आपको विशेष लाभ होगा। इसके साथ ही इस राशि के लोगों की सामान्य आयु 85 साल है। वृश्चिक ज्योतिष शास्त्र की आठवीं राशि है और इसे जुनूनी, भावुक और कभी कभी थोड़ा भावुक होने के लिए भी जाना जाता है। ये लोग किसी खास चीज़ से बहुत आसानी से जुड़ जाते हैं, बल्कि वो कोई इंसान हो या कोई जानवर। वृश्चिक राशि के लोग अपने प्रियजनों को खोने का जोखिम नहीं उठा सकते। हालांकि विनाशकारी ब्रेकअप या उनके किसी करीबी की मौत उनके दिमाग पर, दिल पर भी असर डाल सकती है। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल है। इस दिन हनुमान जी की पूजा अर्चना करने से ग्रह दोषों से मुक्ति मिलती है। इस राशि के लोग सामान्य तौर पर 75 साल 2 महीने जीते हैं। धनु ज्योतिष शास्त्र की नौवीं राशि है और इसे अधिक ऊर्जावान, सक्रिय और कभी कभी थोड़ा नशे की लत के लिए भी जाना जाता है। इन लोगों का झुकाव टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन गेम्स की ओर अधिक होता है। ऑनलाइन गेम खेलते समय इंटरनेट पर अधिक समय बिताना उनकी मौत का बड़ा कारण बन सकता है। हालांकि दोस्तों, इंटरनेट के माध्यम से चीज़ों के बारे में अधिक जानना उनके पक्ष में भी काम करता है। इस राशि के स्वामी देवताओं के गुरु बृहस्पति हैं। उन्हें प्रसन्न रखने के लिए आप गुरुवार को शिवलिंग पर चने की दाल अर्पित करें और बेसन के लड्डुओं का भोग लगाएं। तो दोस्तों, आपको जानकारी कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। थैंक यू।